फॉर येलो बुढ़े बात करें ग्रीन लाइट, और अपन ने बेटा बात कर बोला था कि इनकी जो वेवलेंथ थी किस वेवलेंथ की लाइट के लिए, 5500 यंगस्ट्रॉन्ग, विजिबल लाइट की अपन ने बात की थी, याद है? तो विजिबल लाइट में बेटा बात करें जो हमारी आंखें वो सबसे ज्यादा विवियोर रीजन में ग्रीन और येलो के बीच वाले कलर को देखना पसंद, इसलिए आपको दीदी देखने में ज्यादा सबसे अच्छा कलर कौन सा लगेगा, या तो येलो या तो ग्रीन, बात समझ पा रहे? तो वो कंडीशन कुछ याद है, वो जूबी डूबी सॉन्ग, कभी करीना कपूर जब वो पीली साड़ी पहन के आती है, अरे पीली भी पहनती बीच में, अभी दीदी बात कर रहे तुम, अच्छा ऑरेंज क्यों पता है, खुद ऑरेंज पहन के आई ना कि मेरे ऊपर तो फोकस ही नहीं है सर का, तो वो कंडीशन। पर जो दीदी बात कर देखा होगा अपने येलो कलर में, मतलब अच्छी लगती है, कैसे लगती है, अच्छी लगती है ज्यादा। गुड़े बात कर पता, आई फोकस, आपके सामने कोई आ रहा है, किसी का दुपट्टा उड़ रहा है पीले कलर का, फिर वो थोड़ा सा अट्रैक्शन स्लो मोशन में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, किसी का ग्रीन कलर का, गुड़े बात कर रहे हैं कोई जींस टी शर्ट में आ रहा है तो भी अच्छा ही लगता है, कंपेयर टू गुड़े अदर कपड़े, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अच्छे लगते हैं, आपकी आंखों को थोड़ा सा सुकून देता है वो कलर। आपने कभी देखा कोई पढ़ने का रूम जो होता है जनरली ग्रीन कलर से, अपन गुड़े बात के पेंटिंग कराते हैं ग्रीन कलर से, क्यों? हमारी आंखों को थोड़ा सुकून देता है वो कलर, दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये कंडीशन है, ये अपन पढ़ चुके थे, ये भी आपसे कहा था बेटा बात करें रिफ्लेक्शन, पूरे बात करें रिफ्रेक्शन, ये पढ़ चुके थे लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन भी अपन पढ़ चुके थे, पूरे बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन, पूरे बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, पूरे बात कर रहे हैं और नॉर्मल बेटा बात कर रहे हैं ऑल आर बेटा लाइज इन सेम प्लेन, रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन के अंदर भी अपने दो लॉ पढ़े थे, वो इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल आर बेटा लाइज इन सेम प्लेन, और फिर बोला था वहां पे दूसरा जो लॉ था स्नेल्स लॉ फॉलो हुआ था, याद है? द प्रोडक्ट ऑफ बेटा बात करें क्या साइन एंगल और बेटा बात करें इंसिडेंस गुड़े बात कर रहे हैं एंड विथ गुड़े बात कर देयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कोई भी मीडियम हो उसका दीदी बात करें एंगल, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे वो रिफ्रेक्टेड हो, एंगल और बेटा बात करें क्या इंसिडेंस और एंगल और बेटा बात करें क्या रिफ्रेक्शन एंड बेटा बात करें क्या एंड गुड़े बात करें द प्रोडक्ट विथ पूरे बात करें देयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन विथ प्रोडक्ट पूरे बात करें, या बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट विथ देयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कुछ याद है साइन आई इंटू पूरे बात करें म्यू म्यू एयर, कुछ एयर से ला रहे थे अपन तो अपने उसको बोला था कॉन्स्टेंट है, फिर इधर बेटा जा रहे थे अपन वाटर में तो अपने बोला था साइन आर इंटू पूरे बात करें म्यू वाटर, म्यू वाटर वाटर के लिए म्यू याद भी हो चुका था अपन को 1.33, और वाटर को ग्लास के लिए 1.5 और एयर के लिए 1, कुछ याद है? जिस मीडियम की बेटा बात करें जितनी ज्यादा गाढ़ापन होता है उसका रिफ्रेक्शन उतना ही ज्यादा होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया बात करें क्या जल्दी बोलो कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, मीडियम की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, गाढ़ा मीडियम तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी, ये अपन ने देखा था। दूसरे अपन ने देखा था कि अगर रिफ्रेक्शन पड़ रहे तो गुड़िया बात क्या अगर रेयर टू अपन डेंसर जा रहे तो याद है जो लाइट रही थी बेटा बात को बेंड हो रही टूवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन उल्टा करने लगे अगर अपन डेंसर टू रियर जाएं तो क्या होगा, अभी फ्रॉम नॉर्मल, ये बातें अपन कर चुके थे ना साइन आई की बातें कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे, मतलब म्यू टू वन या म्यू बेटा बात के मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड में रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू बेटा बात का साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ याद आया कि नहीं आया? यहाँ पे अपन वेवलेंथ का रिलेशन देख चुके थे वेलोसिटी के साथ, वेवलेंथ का रिलेशन देख चुके थे गुड़े बात का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ, तो वेवलेंथ का रिलेशन देख चुके टाइम पीरियड नहीं टेम्परेचर के साथ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टेम्परेचर, कुछ याद आया? ये अपने बहुत प्यारी बातें की थी, लाइट रे अगर गुड़े बात कर पता है एक रेड और एक वायलेट जा रही है ग्लास में से तो गुड़े बात कर कौन फास्ट गुजरती है, कुछ याद आया? की थी ना अपन ने बातें, तो ये इतनी प्यारी प्यारी अपन ने बातें की थी, तो अब गुड़े अपन सीधी सी बातें आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे कुछ रिफ्लेक्शन के अंदर या गुड़े रिफ्लेक्शन के अंदर अपन बात करें तो मुझे आपसे कुछ एंगल चाहिए, क्या चाहिए कुछ गुड़े बात करें, जैसे मैंने कहा बेटा बात करें ये एक सेपरेटिंग सरफेस है, ऊपर गुड़े बात करें हमारे पास मीडियम फर्स्ट है, कोई भी मीडियम ले लो जैसे वाटर टू ग्लास जा रहे हैं एयर टू अब वाटर जा रहे हैं एयर टू ग्लास जा रहे हैं, ये मीडियम सेकंड है, मीडियम चेंज होती है उसका रिफ्रेक्ट इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब अपन ने बेटा बोला कि जो लेकिन ये जो सेपरेटिंग सरफेस है ये गुड़े बात का हमारे पास ओपेक है, कैसा बेटा बात करें ओपेक मतलब अपारदर्शी है, अब अपारदर्शी की सरफेस होगी तो डेफिनेटली लाइट अब नीचे तो नहीं जा पाएगी, मतलब सेम मीडियम जिस मीडियम से लाइट आएगी उसी मीडियम से वापस चली जाएगी। अपन ने क्या बोला था बेटा बात कर इस सेपरेटिंग सरफेस पर एक लाइट आ रही है, आने वाली बेटा बात करें लाइट रे को अपन क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बेटा बात करें
इस सेपरेटिंग सरफेस की जिस पॉइंट पे टकरा दी, मुझे एंगल भी देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो अपन क्या करें उसके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अपन क्या कर सकते, बोलो बेटा बात कर। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल, सॉरी थोड़ा ज्यादा अंदर आ गया ना, नॉर्मल दीदी बात कर, क्या होता है, बिल्कुल जो बेटा बात के सेपरेटिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसको अपन ने क्या बोला बताओ बेटा बात कर, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ समझ में आ रहा है। इसके बाद जो लाइट बेटा बात करे आई, वो लाइट क्या हो जाती है, सोचो सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, लेकिन जितने एंगल के साथ आती है उतने एंगल से वो वापस जाती है, क्योंकि रिफ्रेक्शन का दीदी लॉ ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। इसको अपन ने क्या बोला, रिफ्रेक्टेड कि रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड बेटा बात कर रही हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं बुढ़िया बात करें, इस लाइट को जाना तो ऐसा चाहिए था ना, अगर मीडियम चेंज, सॉरी बुढ़िया बात करें, यहां मुझे अगर आपसे बोलना है, हाँ देखो बुढ़िया बात करें, अगर ये लाइट सेम मीडियम वापस ना लौटती, अगर ये बेटा बात करें सेपरेटिंग सरफेस ना होती, अगर बेटा बात करें सेपरेटिंग सरफेस छोड़ो, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होती, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सेपरेटिंग सरफेस से मतलब नहीं है, इसको अपन यहां बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, जिस पे लाइट गिरी उसने लाइट को वापस सेम मीडियम भेजा, तो सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला दोस्त, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला कि नहीं बोला। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होती तो क्या गुड़िया बात करे, ये लाइट वापस लौटती, ये सेम इसी मीडियम में ट्रेवल करते नहीं करते, लेकिन गुड़िया बात करे इस मीडियम पे, इसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, और जा कैसे रही बेटा बात करे, इस पाथ पे जाना चाहिए था और जा रही गुड़िया इस पाथ पे। तो रियल बेटा बात करे, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये गुड़िया बात के एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बेटा बात करे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, लाइट को जाना ऐसा चाहिए था और जा बेटा ऐसे रही है। तो लाइट मतलब मेरा तो ये रास्ता था ना, आपको लग रहा था कि अगर सर्विस ना होती तो लाइट का ये पाथ था, लेकिन जब बुढ़िया आपने देखा तो पाथ तो मुझे ये मिला, तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे पास से कुछ ऐसी मुड़ गई हो लाइट, जिसको इधर जाना चाहिए था वो ऐसे जा रही है। मतलब इतना बेटा क्या आ गया, डेविशन। क्या गया, ये एंगल ऑफ डेविशन, और एंगल ऑफ डेविशन को अपन डेल से रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल ऑफ डेविशन बेटा कितना है, क्योंकि इंसिडेंट उसने अगर हमको एंगल दे रखा है तो इसका मतलब मुझे रिफ्लेक्शन एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ बुढ़े बात करें इंसिडेंस इस क्या बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो बेटा आपतन कोण है वही क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर मान होते हैं। आपतन कोण क्या होता है, आने वाली गुड़े किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतन कोण, आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये गुड़े बात कर क्या होता है, ये होता है परावर्तन के नियम की शर्त, परावर्तन के नियम की पहली शर्त है ये बेटा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आया, विचलन कोण आया, विचलन कोण कितना आएगा रियल में दीदी, अपन को नहीं पता चला कि ये टोटल कितना है बेटा बात कर, देखो ये टोटल है 180। कुछ समझ में आया, ये कितना है, उसमें से मुझे चाहिए ये, तो ये तुम दीदी बात का माइनस कर दो, तुम्हें ये पता है तो फिर ये भी पता है, मतलब इसका क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, ये टोटल कितना बेटा बात कर, 180 कितना है, ये मुझे चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, एंगल बेटा बात कर ऐसा आ गया ना, 180 बुढ़िया बात करें बराबर है, 180 बराबर किसके है, आई प्लस आर प्लस डेल। अरे आई की नहीं है, आई प्लस आर प्लस डेल। अब मुझे डेल चाहिए, डेल चाहिए तो इन दोनों को ऐसे लेके माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 180 माइनस बेटा बात करें आई प्लस बुढ़िया बात करें क्या आर, पर आई आर दीदी बात के बराबर है, आई आर क्या है बेटा बात के बराबर है, तो चाहे अपन बोल सकते हैं इसको 180 माइनस बेटा बात का 2 आई, क्या बोल सकते हैं, या 180 माइनस गुड़िया बात का 2 आर, पर एक्चुअली वो आपको रिफ्लेक्शन नहीं देगा, देगा वो इंसिडेंट। इसलिए गुड़िया बात का मुझे ये फॉर्मूला बहुत प्यारा लगता है कि आपके पास जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आप उसको 2 टाइम्स कर दो, क्या कर दोस्त, और उसको 180 में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। क्या आ गया कि नहीं आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण कितना हुआ। तो क्या करना है, डेविएशन इक्वल्स टू 180 एंगल माइनस क्या करना है आपको, 2 आई करना है। क्या करना है, 2 आई करना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये गुड़िया बात का हमारे पास हो जाएगा। ये दीदी जरूर याद रखना आपको, क्या करना बेटा बात करें, जरूर याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगले वाले पॉइंट पर अपन आते हैं। अगर गुड़े बात का हमारे पास सेकंड पॉइंट है, एक मिनट रुको जरा। अगर बेटा बात करें ये क्या था हमारे पास, ये था गुड़े बात करें डेविशन फ्रॉम, ये क्या था, इसका नाम क्या, डेविशन फ्रॉम बेटा बात करें सिंगल मिरर। किससे था, ये मिरर है ना, किस क्या बोलते हैं इसको अपन, डेविशन फ्रॉम सिंगल मिरर, डेविएशन एंगल फ्रॉम बेटा बात कर सिंगल मिरर। लेकिन अपन को चाहिए डेविएशन फ्रॉम बेटा बात कर क्या, डबल मिरर। मतलब दो गुड़े बात कर हमारे पास क्या है, एंगल, दो मिरर हैं, लेकिन दो मिरर किसने बेटा बात करे, किसने किसी एंगल पे रखे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है, दो एंगल अगर किसी पॉइंट पे दीदी बात कर किसी एंगल पे एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, वो एक दूसरे का 90 डिग्री पे हो सकते हैं, 30 डिग्री पे हो सकते हैं, 60 डिग्री पे हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर वहां से मैं दो मिरर के साथ अगर डेविशन कराऊं लाइट का, मैं देखूं कितना डेविशन हुआ, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। मतलब यहां पर गुड़े बात करें अगर दो,
इनक्लाइन बेटा बात करें मिरर जो रखे हैं, इनक्लाइन मिरर का मतलब किसी एंगल पर रखे हुआ, और फिर उसके ऊपर अपन लाइट डालते हैं और फिर लाइट को अपन क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कितना एंगल आएगा। जैसे आपने कहा ये पहला बेटा बात का मिरर है मेरे पास, कौन सा मिरर है, फर्स्ट मिरर, और ये बेटा बात कर क्या है सेकंड मिरर है। अब इसको रोकना जरा दीदी, ये सेकंड है, यहीं रुको है ना दीदी, यहीं पे खड़े रहो। अगर अपन देखना चाहे ये फर्स्ट है और ये कौन है बेटा बात करें सेकंड है। दीदी अंदर आ जाओ थोड़ा सा, फर्स्ट और सेकंड और इनके बीच में बताओ बेटा बात कर, अपने क्या कहा ये थीटा एंगल पर है, किस पे एंगल पे गुड़िया, थीटा एंगल पे दो जो मिरर है वो इनक्लाइन है। इधर आ जाओ मैडम थोड़ा सा, तो अपने क्या कहा गुड़िया बात करें, दो जो हमारे पास मिरर है वो किसी एंगल पर रखे हुए हैं, मतलब ये गुड़िया बात करें इनक्लाइन मिरर है। कैसे बेटा बात करें, अब इनसे मुझे डेविशन चाहिए, क्या चाहिए डेविशन, गुड़िया बात करें इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। अभी थीटा बेटा 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है। अगर अपने कहा कि ये गुड़िया बात की एक लाइट रे आई और इस पर टकराई, किस पर फर्स्ट मिरर पर, ये फर्स्ट बोल रहे सेकंड है, सेकंड तो ये फर्स्ट है माने इस पर टकराई और ये सेकंड है, ये इंसिडेंट रे है, इस पे टकराए बुरे बात करें, इसने क्या बेटा परपेंडिकुलर टकराई के सोच, 90 डिग्री पे टकराई क्या, नहीं इसका 90 डिग्री तो दीदी ये बनेगा, कुछ याद आया, ये इसका 90 डिग्री दिख रहा है आपको, नॉर्मल नॉर्मल तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा बात की जितने एंगल पे लाइट आई, अब आपको पता है सेकंड मिरर तो जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये कौन है, ये है बेटा बात के हमारे पास मिरर, ओपेक सर्फेस, ये आगे नहीं जाए लाइट को जाने देगा, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, तो जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम में बुरे बात की लाइट लौट के आई, तो ये यहाँ पे गिरिया, कुछ समझ में आ रहा है, एंगल बुरे बात करिए सॉरी ये थीटा था, इसको अपने आई बोल दिया, कितना बोल दिया बेटा आई, तो ये गुड़े बात के हमारे पास क्या होगा आर, पर ये आई के बराबर है। अब गुड़े बात कर इस पे गिरी, इस पे गिरी तो क्या बताओ ये नॉर्मल गिरी, नॉर्मली गिरी, अगर नॉर्मल गिरी तो उसी पाथ पे आ जाती वापस, तो गुड़े बात करिए किससे, ये भी किसी नॉर्मल पे गिरी, कुछ समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ इसका एंगल अब गुड़े बात कर अपन बोलते हैं आई डैश, क्या बोलते बेटा बात करें, क्योंकि सेम तो होगा नहीं, समझ पा रहे आई डैश है, तो इसका मतलब जब ये लौट के बेटा बात कर जाएगी, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वो भी कितना होगा आई डैश ही होगा, आर डैश की जगह अपन आई डैश बोल दो, ये चलो आपने बोल दिया आई डैश, ये गुड़िया होगा। तो बेटा बात का इसका मतलब आई इस डायरेक्शन में थी और जा बेटा बात कर पता है इस पाथ पर, सेम मीडियम में लौट के ना, रिफ्लेक्शन का लॉ ही है ये कि आप जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम वापस जाएगी, क्योंकि आगे तो बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन अगर बेटा बात कर आप किसी एंगल पे रखे हुए दो बेटा बात के मिरर से आप लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हो, मतलब किसी को अपन बोलते हैं इनक्लाइन प्लेन, क्या बोलते हैं इनक्लाइन प्लेन पे गुड़िया बात कर दो हमारे पास बेटा बात कर मिरर है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो गुड़े बात कर रहे हैं हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर डेविएशन आया होगा। अपने यहां पे क्या किया था डेविएशन फ्रॉम सिंगल मिरर, यहां पे आपने क्या किया डेविएशन फ्रॉम गुड़े बात कर टू इनक्लाइन मिरर, हमने गुड़े बात कर यहां पर दो इनक्लाइन मिरर, दो इनक्लाइन पोजिशन पर रखी मिरर से क्या किया रिफ्लेक्शन कराया, क्या कराया रिफ्लेक्शन कराया, तो यहां बेटा आपको डेविएशन कितना देखने को मिलेगा, यह मिलेगा आपको डेल इक्वल्स टू गुड़े बात के याद है इसका 180 से निकाला था, तो दूसरे का भी 180 मतलब टोटल कितना आएगा 360, 360 माइनस क्या करना है आपको टू थीटा, क्या करना है 360 माइनस जो थीटा है उसको माइनस कर देना। कभी अगर बेटा बात कर वो आपको देता है कि दो मिरर आपस में गुड़िया बात कर 30 डिग्री के एंगल पर रखे हुए, कितने एंगल पर रखे हुए 30 डिग्री के एंगल पर है, तो मैं जब अगर पहले मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराता हूं तो मुझे यहाँ पर जो एंगल और बेटा बात का डेविएशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, अपन क्या बोलेंगे 360 माइनस टू बेटा बात के इंटू 30 मतलब 60 मतलब 300 का डेविएशन मिलेगा, कितने का मिलेगा 360 डिग्री का डेविएशन मिलेगा, कितने का मिलेगा 300 का, हाँ 300 का सॉरी वो इंग्लिश हिंदी में बोल दिया, तो गुड़े बात के 360 माइनस कितना हो गया 30, 30 हो गया ना, तो 60 मतलब 300 गुड़े बात करें डिग्री का मुझे क्या मिलेगा डेविएशन, मतलब जो लाइट आई होगी ना बेटा जहां से उसके गुड़े बात करें 300 डिग्री से वो गुड़े बात का एंगल बना के उस पर भेज देना आप, उतने डिग्री पर गई होगी। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर कि अगर कोई लाइट बेटा किसी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पर कितने पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, तो यहाँ बेटा बात का एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, मतलब कितने गुड़े बात कर एंगल से वो डेबिट हुई होगी, जिस रास्ते से उसको जाना था उस रास्ते से कितने दीदी एंगल पे डेबिट हुई है, क्या बोला था आपने 180 माइनस टू दीदी बात करें आई, आई कितना था 30, तो 2 × 30 मतलब कितना है बेटा बात करें 120, कितना पर आया, क्योंकि अगर दीदी यहां गई तो ये 120 का डेविशन आया, कितने का आया, ऐसे बेटा बात कहें डेविशन कितने का आएगा, अगर गुड़े बात कर 30 पे रखे तो आएगा 300, कितने का, अगर 60 पे रखे तो 6 × 2 करो बेटा बात कर 120 मतलब 240, कितने पर आ जाएगा 240 से जो गुड़िया बात के बेब है वो डेबिट होकर सेम मीडियम में चली गई, बस समझ पर, यहां जिस मीडियम से आई थी लाइट उसी मीडियम में गई कि नहीं गई,
यहाँ भी बेटा जिस मीडियम से लाए थे उसी मीडियम से चले गए, लेकिन एंगल में जो डेविशन में आया डिफरेंस आया वो कितने का आया, वो आया 240 का। कितने का आया वो, आया बेटा बात में 300। कितने का आया वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गुड़े बात कर जो इंक्लाइन प्लेन है, गुड़े बात कर दो मिरर के बीच वो कितना है, कुछ समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे। तो इसको बेटा बात कर एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है हमेशा, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है। इसमें समझ में आ रहा है ना, कोई चीज तकलीफ तो नहीं दे रहा। अभी अपन को इसकी बात करनी, बात करते हैं। चलो गुरु नोट कर लो इसको फटाफट।